Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum dear students welcome to AZ International Publishing House Today we are going to discuss Mathematics Grade 2 Unit 1 and Unit 1 is about whole numbers Today our topic of discussion is 10 steps backward counting काउंट टेन स्टेप्स बैकवर्ड फ्राम गिवन नंबर्स एंड राइट इन दॉक्सिस अब बैकवर्ड काउंटिंग क्योंकि आपने पीछे सीखी हुई है ग्रेड वन में भी हमने देखा था बैकवर्ड काउंटिंग का मतलब क्या हो रहा होता है कि आप एक एक स्टेप पीछे आ रहे हैं मतलब कि आप उस नंबर में से एक कम करते आ रहे हैं यानी सब्ट्रेक्ट करते आ रहे हैं माइनस करते आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर देखें तो ये हमारे पास टू लिखा हुआ है तो बैकवर्ड काउंटिंग में आपको पता है टेन से पहले नाइन नाइन से पहले एट एट से पहले सेवन सेवन से पहले सिक्स फिर फाइव फोर थ्री टू वन एंड जीरो अब ये अगर आप देखें तो ये टेन स्टेप्स बनते हैं ठीक है और हर स्टेप में आप क्या देख रहे हैं कि एक एक सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है कम होता जा रहा है ठीक है टेन स्टेप का मतलब दस स्टेप्स आपने पीछे की तरफ मूव करना है एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस तो आप देखें कि ये आपकी आसानी के लिए स्टेप्स की शक्ल भी दी गई है इस क्वेश्चन में क्लियर है तो 210 से अगर आप पीछे मूव करें तो 209 208 207 206 205 204 203 202 201 एंड 200 ठीक है तो इसी तरीके से अगर आप इनको देखो तो 558 है 57 है 56 है तो इसके बाद क्या आएगा एक कम करेंगे तो 55 54 53 52 51 50 अब 50 से पीछे अगर आप आए तो 49 आता है ना 49 48 इसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि इसमें 100 प्लेस चेंज नहीं हो रही वो फाइव है तो फाइव ही है हर जगह पे ठीक है आपने जितने बॉक्सेस फिल भी किए हैं वो सब के सब के क्या क्या वाले यानी प्लेस प्लेस चेंज नहीं हो रही आप सिंपल क्या कर रहे हैं में से एक एक कम कर रहे हैं चलें एक और कर लेते हैं अब ये वाला क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप इसे खुद सॉल्व करें एज अ होमवर्क अब इसको अगर आप देखो तो क्या है जी नाइन अलेवन यानी नाइन हंड्रेड एंड अलेवन अगर इलेवन में से एक कम करें तो क्या बनेगा टेन टेन में से एक कम करें तो नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन अब देखिए इधर क्या था नाइन हंड्रेड अलेवन तो ये क्या हो जाएगा नाइन हंड्रेड टेन नाइन हंड्रेड नाइन नाइन हंड्रेड एट नाइन हंड्रेड सेवन नाइन हंड्रेड सिक्स नाइन हंड्रेड फाइव नाइन हंड्रेड फोर नाइन हंड्रेड थ्री नाइन हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड वन तो पहले बच्चों ये सिंपल मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह लिखा है ठीक है बेसिक आपको पता होना चाहिए कि टेन स्टेप बैकवर्ड का मतलब क्या है कि आपने दस स्टेप पीछे आने हैं यानी एक एक करके दस दफ़ा आपने वन को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें तो पहले बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने टेन स्टेप बैकवर्ड काउंटिंग सीखी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़